अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नीलू। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी खीमा समोसे का रेसिपी बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्टफिंग के लिए पहला एक फ्राइंग पैन ले। अब हम उसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा तेल डाला है मैंने, ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, चॉप्ड ऑनियंस, प्याज को थोड़ा सा भून ले, ज़्यादा नहीं, इसको लाइटली फ्राई करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें खीमा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, टर्मरिक पाउडर। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, एज पर टेस्ट, जितना आप खाते उतना सॉल्ट ऐड करें। अब इसमें थोड़ा गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें पानी ऐड किया है, इसको ये पानी सूखे तक हम पकाएंगे, पानी बिल्कुल भी ना रहे, पूरा पानी को ड्राई करेंगे। इसमें का पानी जो है वो अच्छे से सूख गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और पुदीने के पत्ते डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनके तैयार है। अब हम अगले प्रोसेस में जाएंगे। इसको थोड़ा 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। पुदीना और हरा धनिया इसमें अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। मैंने समोसा पट्टी लिया है, ये किसी भी ग्रोसरी और सुपरमार्केट्स में मिलता है, सब जगह अवेलेबल है। इसमें समोसा बनाना आसान है। ये पट्टियाँ यूज़ करेंगे हम, इसको निकाल के। जितने समोसे की पट्टियाँ चाहिए उतने मैंने निकाल के रखे हैं, और जो सील ओपन है इसको 8-8 कंटेनर बॉक्स में डाल के हम फ्रिज में रख के जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा मैदा लिया है,
इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। मैंने उसको ऐसे पेस्ट के जैसे बनाया, लेख बनाया है, ये सील करते वक्त हमें काम आएगा। इसको हम बाजू में रखेंगे। अब इसमें से एक पट्टी को हम निकाल लेंगे। जो मिक्स हमने बना के रखे है उसे एजेस पे अप्लाई करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। मैंने चारों तरफ मैदे वाले मिक्सचर को लगाया है, अब हम इसे फिल करेंगे। जो खीमा वाला मिक्सचर हमने पहले पका के रखे उसे हम समोसे में फिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा लेंगे और फिल करेंगे। आप ही जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगा। इस लेयर को हम अंदर डालेंगे। इसी तरह हम सारे समोसों को फिलिंग के साथ फिल करेंगे। मैंने समोसों को फिल करके रखा है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम जो फिलिंग करके रखा है उन समोसों को फ्राई करेंगे। को मीडियम फ्लेम में फ्राई करें। दूसरी तरफ भी हम टर्न करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गए, इसे हम सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। बहुत ही मजेदार खीमा समोसा बनके तैयार है। आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पहले एक पैन लेना है। पैन को अच्छे से गर्म करके रखा है मैंने यहाँ पे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा तेल। तेल को अच्छे से स्प्रेड करें। यहाँ पे मैंने आलू को बारीक काट के रखा है, प्याज को बारीक काट के रखा है और हरी मिर्च को बारीक कट के रखा है। पहले हम प्याज को अच्छे से लाल रंग में भून लेंगे। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ आलू और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च को। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे चुटकी, नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट। अब हम इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि आलू गलने के एक कप पानी करीब डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढक के धीमी आंच में 10 से 15 मिनट तक हमें इसे पकाएंगे।
10 मिनट हो गए हैं, सब्जी बनके तैयार है, इसे थोड़ा ठंडा होने दें। समोसा फिलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे समोसा पट्टी लिया है, ये हमें किसी भी सुपरमार्केट और बेकरीज में मिल जाते हैं। इससे हमें समोसा बनाना बहुत ही आसान होता है। चलिए इसको लेते हैं। अब मैंने समोसा पट्टी लिया है, इतना पतला होता है। अब हम इसे फिलिंग से फिल करेंगे। जो करी हमने पहले बना के रखे है उसे डालेंगे। फर्स्ट हम ऐसे लेंगे, अब हम इसमें पहला मैंने थोड़ा चीज़ को यहाँ पे ग्रेट करके रखा है उसे फिल करेंगे। थोड़ा करी डालेंगे और थोड़ा चीज़ डालेंगे। इसे अब हम फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जो लेयर यहाँ पे है उसे अंदर डालेंगे। इसी तरह हम सारे समोसों को फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरे समोसों को फिल करके रखा है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, जो फिलिंग हमने पहले करके रखी है समोसों को, सब हम डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह हम सारे समोसों को फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी चीज़ी समोसे बनके तैयार है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी हिट द लाइक बटन, सेंड योर कॉमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।